आज बेसिकली ये FIR नंबर 58 जो हमारे यहाँ लगी थी 2020, इसके बारे में पहले भी हम आपको जानकारी दे चुके थे। ये एक हार्डवेयर मटा 15-29 NDPS एक्ट में लगी थी, जिसमें तकरीबन 2 क्विंटल से ऊपर पॉपी स्ट्रॉ, जिसको आप बुकी बोलते हैं, उसकी बरामदगी की गई थी। ये जो FIR लगी थी ये 5 मार्च के रोज़ लगी थी और इसमें राजवीर नाम का एक ड्राइवर गिरफ्तार हुआ था। राजवीर के बताने के हिसाब से ये जो पूरा माल था एक प्रॉपर एक सिंडिकेट है, ग्रुप है जो चलाता था, जिसमें 3 लोग इन्वॉल्व थे। एक इसका मैन्युफैक्चरर जो कश्मीर बेस्ड था, दूसरा ये खुद ट्रांसपोर्टर राजवीर, और तीसरा इसको मंगा के यहाँ पर बेचने वाला, जिसको कोड में बलोची कहा जाता है और उसका असली नाम हरपाल सिंह है। हरपाल सिंह की मदद उसका बेटा है कंवलप्रीत सिंह, वो करता था इस पूरे बिजनेस में। तो राजवीर के गिरफ्तारी के बाद जब उसकी पूछताछ की गई, उसकी गाड़ी का जब तलाशी लिया गया, तो गाड़ी में एक स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन की गई थी। गाड़ी के बेसमेंट पे कुछ लकड़ी के फट्टे लगाए गए थे, जिसके नीचे बड़े ढंग से 2-2.5 क्विंटल बुकी आराम से रखी जा सकती है। और राजवीर के बताने के हिसाब से कठुआ ज़िले में तकरीबन 2 से 3 बार पहले भी वो ऐसी बुकियाँ लाता गया है हरपाल सिंह के बोलने पर। ये वाली खेप भी वो हरपाल सिंह के बोलने पर लेने गया था। और कश्मीर में जो इस बुकी को उगा के बेचने वाला व्यक्ति है, उसका नाम था इफ्तखार दास। ये बिग बिहड़ा अनंतनाग का रहने वाला व्यक्ति, इसकी जो शिनाख्त की गई और बाद में 12 मार्च के दिन इसकी भी गिरफ्तारी बामल लाई गई। इफ्तखार से भी जब पूछताछ की गई तो ये सारा खुलासा और सही ढंग से हो गया। इसमें इस्तेमाल होने वाली जो गाड़ी है, वो गाड़ी हरपाल सिंह के नाम पर है, जिसने उसको ख़रीदा था। अभी वैलिड ट्रांसफ़र RTO ऑफिस में इसने नहीं कराया था, लेकिन एक एफिडेविट जो एक नोटरी के सामने और एक इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने, उधमपुर ज़िले के एक व्यक्ति ने इसको ये गाड़ी बेची थी और इसी गाड़ी का इस्तेमाल इस बुकी को लाने में किया जाता था। आप सबको ये पता ही होगा कि बलोची इज़ अ वेरी बिग नेम इन कठुआ। ये पहले भी 10 साल NDPS एक्ट में सजा काट के आ चुका है और कठुआ में इस नशे के व्यापार को दोबारा से फैलाने और भूलने की कोशिश बलोची कर रहा था। बहुत हद तक ये कामयाब भी था। हमें कई क्वार्टर से शिकायतें मिलती थी कि वापस से जो नशे का कारोबार है कठुआ में, जैसे पहले चलता था वैसे बदस्तूर फिर चालू हो गया है। तो बलोची का पकड़ा जाना, इसके माल का पकड़ा जाना और इस पूरे सिंडिकेट का खुलासा करना, ये पुलिस के लिए एक मेजर चैलेंज था। मैं बधाई देना चाहूँगा मेरी पूरी टीम की, खास करके जो एंटी ड्रग यूनिट के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर विशाल, और उनके साथ जो उनके साथी हैं सब इंस्पेक्टर जयपाल जो हटली चौकी के इंचार्ज हैं, और ये सारी जो सदारत हुई एडिशनल SP रमनीश गुप्ता जी के सुपरविजन में की गई। इस पूरी टीम ने साइंटिफिक तरीके से इसमें इन्वेस्टिगेशन किया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये सारा का सारा जो जुर्म है ये बलोची के खिलाफ साबित होता हुआ नज़र आया। इसी कड़ी में बलोची के ठिकानों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मजिस्ट्रेट को साथ लिया गया। दौरान तलाशी इसके घर से कुछ हमें एम्यूनिशंस मिले। वो अभी तक एम्यूनिशंस हमारे श्योर हो नहीं पाए हैं कि ये वैलिड एम्यूनिशंस हैं, लीगल हैं, इलीगल हैं। उनको जाँच के लिए भेजा गया है और अभी बलोची से पूछताछ करना बाकी है। इस पूरे सिचुएशन में बलोची का पकड़ा जाना बड़ा ज़रूरी था, बट ही वॉज एट लार्ज, ही वॉज इवेटिंग अरेस्ट। हमने कई ठिकाने उसके रेड किए विद इन कठुआ, जम्मू, बाकी के जगहों पर, बट बलोची कहीं हाथ नहीं आया। आज तड़के सुबह 4 बजे जब हमें इत्तला मिली कि कहीं बेड़ियापट्टन वाले इलाके में उसकी मूवमेंट होने जा रही है, तो एक स्पेशल नाका वहाँ लगाया गया, जिसमें एंटी ड्रग यूनिट की टीम वहाँ खड़ी थी। तब हमने एक काले रंग की स्कूटी नज़र आई, जिसको बलोची चला कर आ रहा था। पुलिस पार्टी जो थी उसने उसको रोका, उसकी शिनाख्त की, हमारे पास उसका फोटोग्राफ मौजूद था और उसके पास से कुछ 3,000 के आसपास कैश में रुपए, एक डायरी जिसके अंदर काफ़ी नंबर थे, जिनमें से कुछ नंबर एडवर्स भी हैं जो ड्रग पेडलर्स के नंबर हैं, वो बरामद हुए और बलोची की गिरफ्तारी जो है बामल लाई गई। अब उसको थोड़ी देर के बाद कोर्ट में प्रोड्यूस करके उसकी रिमांड ली जाएगी। तो पूरी ये जो सिंडिकेट है, इसमें अभी तक 3 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। एक हुई है राजवीर सिंह, जिसको बिट्टू कहते हैं, जो ड्राइवर है। दूसरा है इसमें कंवलप्रीत सिंह, जो बलोची का लड़का है, जो बलोची के बिहाफ पे माल को रिसीव करता था और रिसीव करने के बाद इसको डिस्पोज करता था। तीसरा है इसमें इफ्तखार दास, जो प्रोड्यूसर है। चौथा खुद बलोची।
इसके अलावा एक और दो नाम इसके अंदर दौरान तफ्तीश आए हैं, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तफ्तीश जारी है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस केस को कोर्ट ऑफ लॉ में चलान कर देंगे। एक लंबी लिस्ट है इसके सीजर्स की, जैसे सबसे बड़ा रिकवरी जो हुई है वो इसके उस वैन की हुई है। उस वैन को मॉडिफाई किया गया है, उसकी मॉडिफिकेशन इस हिसाब से की गई है कि इस वैन का असली पर्पस कॉन्ट्राबैंड्स को लाना ले जाना है। नंबर दो रिकवरी उस बुक्की की हुई है जिसकी फोरेंसिक रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है, और फोरेंसिक रिपोर्ट में इसमें मॉर्फिन होने की बात साबित हुई है, इसमें पॉपी स्ट्रॉ होने की बात साबित हुई है। तीसरी जो रिकवरी हुई है, जो मैंने कहा लाइव एम्यूनिशंस की हुई है, अब लाइव एम्यूनिशन वाला किस्सा अभी तक पूरी तरह से खुल नहीं पाया है। और चौथा, बलोची का खुद तकरीबन कानून की गिरफ्त से बाहर रहना काफ़ी लंबे अरसे तक, इस बात को दर्शाता है कि वो अपनी गिरफ्तारी से बच रहा था और किसी तरह कानून को झांसा देने के चक्कर में था। तो इसमें पीएसए लगाने के लिए तो नहीं पुलिस करेगी, क्योंकि इस प्रकार से एक नारकोटिक जो कंट्राबैंड आइटम्स है उसको रिवाइवल करना चाहता था यहाँ पे, तो उस ढंग से क्या देखते हैं? पीएसए एक छोटी सी चीज़ है, पीएसए में आप किसी को डिटेन तब करते हैं जब जो रूटीन कानून होते हैं वो इनफ नहीं होते किसी को डिटेन करने के लिए। ये एक मुकम्मल केस है, साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है, इसमें मजिस्ट्रेट्स को, सिविल विटनेसेस को, हमारे आला अधिकारियों को, जितने भी रूल्स होते हैं नारकोटिक एक्ट में, उन सबको फॉलो करते हुए एक पुख्ता केस की तैयारी की गई है जिसको हम प्लीड करेंगे कोर्ट ऑफ लॉ में। और क्योंकि इसी किस्म का ये सेकेंड ऑफेंस है बलूची का, तो हम इसके लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट या सजाए मौत की भी मांग करेंगे। इसके बहुत सारे ठिकानों का हमें पता चला, ये जम्मू में गाड़ीगढ़, सिंबल, कहीं त्रिकुटा नगर, पठानकोट के कुछ ठिकाने, फिरोजपुर। ही हैज़ बीन ऑन रन फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो क्योंकि आप जानते ही हैं कोविड प्रोटोकॉल था, तो हमें बाहर जाके किसी को पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमें जो भी हमारे यूटी में जितने ठिकाने थे उन पर हम इसकी रेड करते रहे लगातार। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी तीन गिरफ्तारियाँ अब तक हुई हैं, ऑनरेबल कोर्ट ने अब तक उनको बेल नहीं दिया है, क्योंकि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं इन लोगों के खिलाफ। सर, डायरी की बात की आपने कुछ पैडलर के नाम, क्या इसको क्यों बांधकर पहुँचा रहे हैं? अभी उसकी जो जब्ती हुई है वो सुबह 4 बजे हुई है, तो अभी जब्ती हुए 12 घंटे भी नहीं हुए हैं, अभी तक हम उसको स्टडी कर रहे हैं। उसमें जितने नंबर हैं सबको पूछताछ के लिए लाया जाएगा, उसमें से कुछ ऐसे नंबर भी हैं जो ऑलरेडी हमारे रडार पर हैं। तो क्या अभी जैसे सुबह जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज है, तो दोबारा जो रेस्ट ऑफ वेडिंग करना चाहता था, जब पंजाब में मूवमेंट करना चाहता था, ऐसा लग रहा है? हाँ, ये अभी तक इसकी पूछताछ हमने पूरी की नहीं है, जिससे हमें जानना है कि ये कहाँ से जा रहा था, कहाँ से आ रहा था, एग्जैक्टली इसकी मदद कितने लोग कर रहे थे। लेकिन ये बात बड़ा तय है, ही वॉज एवेडिंग अरेस्ट, ही वॉज एट लार्ज। ये बहुत, इसकी अगर आप प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसके एसेट जो हैं इसके मीन्स ऑफ इनकम से बहुत ज़्यादा हैं। इसको इस एक्ट के तहत कहा जाता है इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। हमारे पास एक एक्ट होता है 68F, इस सेक्शन के तहत हम इसकी जितनी भी इलीगली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसको कानूनी ढंग से सीज करेंगे। सर, दर्द से खिलाफ मुहिम में पुलिस की कितनी बड़ी कामयाबी है इसका पता लगा? आपसे कोई बात छुपी नहीं है, आप रोज़मर्रा की खबरें कवर करते हैं पूरे कठुआ ज़िले की। अगर मैं पिछले 4-5 महीने का ब्यौरा दूं, तो हमने कई लाखों लीटर लहान बर्बाद की है, कई हज़ारों लीटर देसी दारू पकड़ी है, कई ग्राम्स में हमने हेरोइन जब्त किया हुआ है, और कई क्विंटल्स में हमने भुक्की पकड़ी है। अभी हार्डली महीने भर, हफ्ते 10 दिन पहले की बात है कि तकरीबन 5.5 क्विंटल भुक्की पुलिस स्टेशन राजबाग ने पकड़ी है। तो इसमें कुछ नाम जो मुलव्वस थे, जो हमारे आप कह सकते हैं कि एक टारगेट लिस्ट पे थे, उसमें बलोची का नाम सबसे ऊपर था। बलोची के अलावा और भी 8-10 नाम उसके अंदर हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, बाकी 7-8 एट लार्ज हैं, उनको भी पकड़ा जाएगा। आपके सवाल का जवाब मैं इसमें ही दूंगा कि ये सबसे बड़ा सरगना था, ही वॉज द बिगेस्ट डीलर, ही वॉज ओपनली रोमिंग इन कठुआ मार्केट, ही वॉज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ लॉ, इसको किसी किस्म का कोई डर नहीं था, ये धड़ल्ले से अपने ड्रग्स का कारोबार चलाता था, और इसका पकड़ा जाना पूरे नशे के जितने भी व्यापारी हैं उनके लिए एक सबक है। ये अगर ये पकड़ा जा सकता है तो उनके दिन दूर नहीं है।